रुक करते हैं प्रदेश की ओर। बैजनाथ व इसके आसपास इलाके में लाइट कैमरा व एक्शन देखने को मिलेगा। मुंबई से बैजनाथ पहुंचे फिल्म राजवंश प्रोडक्शन के बैनर तले अगले सप्ताह से बाबा बैजनाथ भोलेनाथ के इतिहास को लेकर बनाए गए गीत को बैजनाथ व इसके आसपास क्षेत्रों में फिल्माया जाएगा। मुंबई की कंपनी राजवंश प्रोडक्शन के MD अंशुल धीमान ने बताया कि बैजनाथ गायक कलाकार मिनी गुरदास मान के नाम से मशहूर बब्बी मान ने उन्हें अपना एक गाना मुंबई भेजा था, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने इस गाने को लेकर एल्बम तैयार करने के लिए पूरे लाओ लश्कर के साथ मुंबई से बैजनाथ पहुंच रहे हैं। बैजनाथ व इसके आसपास के इलाके में लाइट कैमरा व एक्शन देखने को मिलेगा। जी हां, मुंबई से बैजनाथ पहुंचे फिल्म राजवंश प्रोडक्शन के बैनर तले अगले सप्ताह से बाबा बैजनाथ भोले बाबा के इतिहास को लेकर बनाए गए गीत को बैजनाथ व इसके आसपास क्षेत्रों में फिल्माया जाएगा। मुंबई की कंपनी राजवंश प्रोडक्शन के MD अंशुल दीवान ने बताया कि बैजनाथ गायक कलाकार मिनी गुरदास मान के नाम से मशहूर बब्बी मान ने उन्हें अपना एक गाना मुंबई भेजा था, जिसे प्रभावित होकर उन्होंने इस गाने को लेकर एल्बम तैयार करने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ मुंबई से बैजनाथ पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से इस क्षेत्र की लोकेशन देख रहे थे, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ, मुकुटनाथ मंदिर सिंसाल, अवाई नाग मंदिर, शीतला माता मंदिर व महाकाल मंदिर में इस गीत को फिल्माया जाएगा तथा अपने कैमरे में कैद करके बढ़िया एल्बम तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह इस क्षेत्र के गांव सकड़ी से संबंधित हैं तथा मेरा सपना है कि एक हिंदी मूवी यहीं के कलाकारों के साथ बनाऊं और थिएटर में चले। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बैजनाथ पालमपुर व हमीरपुर में करने के बाद 2008 में मुंबई में फिल्म मेकिंग डायरेक्टर व अन्य कोर्सेस किए। इस दौरान उन्होंने मुंबई में पृथ्वी राज कपूर थिएटर में भी काम किया। वर्ष 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक्स में भी वीडियो बनाकर धूम मचाई थी। उन्होंने कई विज्ञापनों व शॉर्ट फिल्म्स में भी काम कर कई चुनौतियों का सामना किया। अब मुंबई में राजवंश फिल्म प्रोडक्शन नाम से अपनी कंपनी स्थापित कर ली है तथा उन्होंने एक फिल्म खेल लगभग तैयार हो चुकी है, जो क्रिसमस में रिलीज होगी। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि वे जल्द ही एक नई फिल्म बनाएंगे, जिसकी शूटिंग हिमाचल के कांगड़ा जिला में करेंगे तथा यहाँ के कलाकारों को इस फिल्म में काम करने का मौका देंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि कांगड़ा जिला में फिल्म सिटी का निर्माण करवाया जाए, ताकि यहां से कलाकारों को सिनेमा में मौका मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो उसके बाद हम ये शूटिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे और आप लोगों के सामने कुछ अच्छा पेश करने की कोशिश करूंगा।